ब्लॉक क्रमांक 3 और 4 से विकास का नया चेहरा जैकी रावलानी। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज का इंपैक्ट, खबर लगते ही जागा संबंधित विभाग। पुलिस मुख्यालय रोड पर गड्ढों का साम्राज्य। फिलहाल के लिए गड्ढों में डाली मिट्टी। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज ने शहर में गड्ढे या गड्ढों में शहर की एक मुहिम शुरू की है, जिसके चलते नागरिकों द्वारा शहर के अलग अलग इलाकों से सड़कों के गड्ढों की शिकायतें आ रही है, जिसको संज्ञान में लेते हुए बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की टीम उस जगह जाकर खबर कवर करता है और संबंधित विभाग को जगाने की कोशिश करता है। उसी प्रकार मंगलवार को पुलिस मुख्यालय रोड पर बने बड़े बड़े गड्ढों की शिकायत बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की टीम को मिली, जिसके बाद पुलिस मुख्यालय रोड पर जाकर खबर कवर करने के कुछ ही देर में संबंधित विभाग की आंखें खुली और फिलहाल के लिए सड़क पर मिट्टी डालकर काम निपटाया जा रहा है। बता दे कि यह मार्ग पुलिस मुख्यालय की ओर जाता है, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी यहां से रोजाना आवागमन करते हैं। खबर का असर होने के बाद कुछ लोग ट्रैक्टर द्वारा गड्ढों पर मिट्टी डालने का काम कर रहे थे। जब बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की टीम ने उनसे बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि फिलहाल के लिए मिट्टी से गड्ढों को बुझाया जा रहा है, लेकिन मिट्टी से भला कैसे गड्ढे बुझेंगे, बरसात का मौसम चल रहा है, अगर इसमें पानी जमा हुआ तो गड्ढे और भी बढ़ सकते हैं और वहाँ कीचड़ जमा हो जाएगा और वहाँ से आवागमन करने वाले इसकी चपेट में आकर गिर भी सकते हैं। खबर के माध्यम से शासन प्रशासन को जगाने की कोशिश कर रहा है, जिससे नागरिक इसकी चपेट में ना आए और उन्हें अपनी जान से हाथ ना धोना पड़े। इसलिए बीएस क्राइम इंडिया न्यूज समय समय पर संबंधित विभाग को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन संबंधित विभाग नागरिकों की दिशा भूल कर रहा है। क्या आने वाले 15 अगस्त को इसी तरह रोड की हालत रहेगी या इसे अच्छे से दुरुस्त किया जाएगा? बता दे कि 15 अगस्त को मुख्यालय के कवायद मैदान में बड़े बड़े अधिकारियों से लेकर आम नागरिक और स्कूल के बच्चे वहां आते हैं और वहां झंडा वंदन किया जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि रोड का निर्माण किया जाता है कि वैसे ही फिलहाल के लिए मिट्टी डालकर काम चलाया जाता है। इस ओर नागरिकों की निगाहें टिकी हुई है।